हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जगह में ही ड्राई वेदर था। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर कल था पर्लेखा मुंडी में 33.8 डिग्री सेल्सियस। आज सुबह लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर प्लेन्स में हुआ है, प्लेन स्टेशन में हुआ है फुलवानी में 15.1 डिग्री सेल्सियस, हिल स्टेशन सिमलीगुड़ा में था 12.2, कोरापुट 12.8 डिग्री सेल्सियस। हमारा भुवनेश्वर सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर कल था 31.9 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम आज सुबह हुआ है 20.2 डिग्री सेल्सियस। अभी फोरकास्ट हमारा जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में, आज हमारा सभी जगह में ड्राई वेदर रहने का ही चांसेस है। कल एक नवंबर से 5 नवंबर तक हमारा उड़ीसा में आइसोलेटेड पॉकेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है और क्लाउडीनेस भी रहेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर व सुबह का टेम्परेचर अभी स्लाइटली व नाइट टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करने का चांसेस है, मैक्सिमम टेम्परेचर स्लाइटली डिक्रीज करने का चांसेस है। जैसा कल हमारा रेनफॉल एक्टिविटी मेनली होने का चांसेस है साउथ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, कोरापुट, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके होने का चांसेस है। 2 तारीख में कोस्टल उड़ीसा एडजॉइनिंग इंटीरियर का कुछ डिस्ट्रिक्ट और 3 तारीख में हमारा कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट और केउंझर, मयूरभंज, कोरापुट, रायगढ़ इसमें कुछ कुछ स्थानों पर, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है। 4 तारीख में भी हमारा मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति में कुछ कुछ स्थानों पर, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके मेनली कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट और केउंझर, मयूरभंज, अंगुल, ढेंकनाल, बौद्ध, कंधमाल इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके बारिश का पॉसिबिलिटी है। 5 तारीख में कम हो जाएगा बट हमारा एक्सट्रीम साउथ उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। मेनली आइसोलेटेड पॉकेट्स में रेनफॉल रहेगा बट क्लाउडीनेस रहने की वजह से नाइट टेम्परेचर स्लाइटली राइज कर सकता है। भुवनेश्वर सिटी में भी हमारा आज मेनली क्लियर स्काई रहेगा, कल पार्टली क्लाउडी स्काई होने का चांसेस है और 1-2-3 इसका बीच में हमारा हल्का बारिश भी पॉसिबिलिटी है भुवनेश्वर सिटी में 1-2-3-4 का बीच में नवंबर का। और मैक्सिमम टेम्परेचर आज 32 का आसपास, कल मिनिमम टेम्परेचर 21, उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर 22-23 इस रेंज में रहने का चांसेस है।